हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निलोफ़र्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ बीन्स कैरेट पुलाव। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन रख दी हूँ, जिसके अंदर मैंने 2-3 टेबल स्पून इतना तेल ऐड कर दी हूँ। तेल को हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तेल गर्म हो चुका है, मैं 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, हल्का सा कलर चेंज होने देंगे इसका। हाफ कप मैंने बीन्स ली हूँ, वो ऐड कर दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हाफ कप कैरेट ली हूँ, वो भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे। मैंने 2 कप चावल ली थी, जिसको आधा घंटा भिगा के मैंने इसको बॉईल कर ली हूँ नमक डाल के। सब्जियों में भी थोड़ा नमक कम डालूंगी, क्योंकि मैंने चावल बॉईल करते वक्त चावल में नमक ऐड की थी, इसके लिए मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून इतना। मेरी भाजी अच्छे से सॉटे हो चुकी है। ये 2 हरी मिर्ची है, जिसको मैंने इस तरह से स्लीट कर ली हूँ, वो ऐड कर दूंगी। 1/2 कप वटाने हैं फ्रेश वाले, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी जरा सा सॉटे कर लेंगे हम। अभी मैं इसमें अपने बॉईल किए हुए चावल ऐड करूंगी। ये देखिए, ये 2 कप चावल है, जिसको मैंने बॉईल कर ली थी, वो ऐड करूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसको 5 मिनट्स में ऐसे ही रखूंगी और फिर आपको सर्व करके बताती हूँ। आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप हैप्पी, बी स्माइलिंग, कीप ईटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग निलोफर्स किचन। अल्लाह हाफिज़।